तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द ही टेंस की वीडियो लेकर आऊंगा, पूरे 12 टेंस आपको सिखाऊंगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैं आ गया हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं टेंस की वीडियो, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे टेंस क्या होते हैं। और हर एक लेक्चर में हम 12 में से प्रत्येक टेंस को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके में। ऐसा आसान तरीका आपने बिल्कुल कहीं नहीं देखा होगा। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, तब मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं टेंस पक्के कराकर ही छोड़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, मतलब टेंस हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम जो है, कोई काम हमारा कब हुआ है। ठीक है, टेंस हमें ये बताते हैं कि हमारा काम जो है वो किस समय हुआ है, अभी हो रहा है या होगा या हो चुका है। टेंस हमें ये बताते हैं। और दूसरी बात, टेंस हमें ये भी बताते हैं कि कौन सा काम हमारा कितना हुआ है, कितना हो चुका है या कितना बचा है या कितना अभी होने वाला है। तो टेंस हमें ये भी बताते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेंस हमें ये बताते हैं कि हमारा काम कब हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, तो जनरली जो है टेंस तीन प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीन टाइप के जो है हमारे टेंस होते हैं, और इनके अगर टाइप की बात करें तो इनके चार प्रकार होते हैं तीनों के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के भी ये चार, पास्ट के भी ये चार और फ्यूचर के भी ये चार। कुल मिला के ये हो गए हमारे चार दिया 12 सेंटेंस, वो 12 टेंस। ठीक है, तो 12 टेंस के नाम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन 12 टेंस को ही हम जो आज है डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कुल मिलाकर हमारे चार या 12 टेंस जो हैं ये होते हैं। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेली जो है एक लेक्चर आने वाला है टेंस का, तो 12 दिन में आपके पूरे 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे आसान तरीके में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टेंस की। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस जो है, हमारे टेंस का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी हम बात करते हैं। ये आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये टेंस का चार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके चार टाइप है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी जो पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट में ता था या ती थी, ठीक है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब डिड, ये जो है पहचान के लिए है। ठीक है, पहचान के लिए, मान लो कोई टेंस लिखा है वह दूध पीता था, वह दूध पीता था, तो लास्ट में पहुंच जाओगे आप ता था कहां पर आ रहा है, यह ता था, तो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं वह दूध पी चुका है, तो आप जाओगे चुका है कहां पर, चुका है या आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें, ही हैड रिटन ए लेटर, तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, तो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये गा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, पास्ट परफेक्ट में चुका था, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है तो होगा, और समय दिया होगा जैसे 2 घंटे से या सुबह से। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है यहाँ पर रहा था है। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप टेंस पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो 12 टेंस है, ये हमारा जो है पहला टेंस है। ठीक है, पहले हम इससे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प देंगे। जैसे हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो मैं पता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है। देखिए, जैसे कोई हमारा सेंटेंस लिखा है, ये टेंस है, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखा है, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसमें देखिए क्या है, जो काम को करता है। ठीक है, हर सेंटेंस, हर टेंस, ये सेंटेंस में जो है तीन आपके भाग होंगे, एक होगा सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा होगा वर्ब और तीसरा होगा
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो काम को करता है वो जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, समझ में आया, जो काम को करता है। अब इसमें लिखो मैं एक पत्र लिखता हूं, तो काम कौन कर रहा है इसमें, मैं, तो मैं जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो काम को करता है वो जो है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा वर्ब क्या होती है, ठीक है, वर्ब, तो जो हमारा काम है, जैसे जिसके पास ना आता है लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, हंसना, जाना, गाना, पीना, खाना, तो जिसके पास ना आ गया काम जो है उसको हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो इसमें क्या हुआ, काम है लिखना, लिखता, तो ये जो है लिखता हूं हमारी वर्ब हो गई। अब क्या लिखता हूं, जैसे मैं क्या लिखता हूं, एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन करो मैं क्या लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो जो जवाब आएगा वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खाना पकाता हूं, खाना जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं गीत गाता हूं, तो गीत जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से जो है हम इसको बनाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश, ठीक है। जैसे यह है मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लास्ट में पहुंच जाना है, ठीक है। बात करते हैं, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, काम कौन कर रहा है, मैं की होती है आई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना, लिखने की होती है राइट, आई राइट, इसमें एस या ईएस। अब इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे अभी बताता हूं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो ये जो है इसकी इंग्लिश आसान तरीके से बन जाएगी, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बेसिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखे हैं टेंस के बाकी लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद हम आपको कराएंगे पूरे 12 टेंस, उसके बाद हम पैसिव कराएंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट कराएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर 9th से लेकर 12th तक की जो है हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। थैंक यू।